Om Shanti. केरल की धरती पर खुशनुमा वातावरण में आज हम सब कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के समग्र भारत देश के विभिन्न प्रांतों से पधारे हुए भाई बहने बहुत ऊंची और शुभ भावनाओं के साथ यहाँ पहुँचे हैं। ऐसे सारे वर्ष की प्लानिंग करने के लिए और बहुत सुंदर कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं और हम आप सब के यहाँ पहुँचने पर हमारे केरल निवासी भाई बहनों ने विशेष बीना बहन, मिनी बहन और सभी साथी टीचर्स बहनों ने, मैं अभी बैठे बैठे वो सोच रही थी कि हम तो 3 दिन मीटिंग करेंगे, सारे वर्ष की प्लानिंग करेंगे, लेकिन हम सब के लिए ये सभी भाई बहनें 3 मास से लगातार मीटिंग कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं कि हर आने वाले भाई बहनों को अच्छी सुविधा मिले। मैं भी अंदर से अपनी रोजी बहन को याद कर रही थी। सचमुच उन आत्मा के अंदर ये गुण थे, एक्टिव थे और क्रिएटिव थे। मैंने बहुत छोटेपन से उनको देखा है, हमेशा उनको ये एक उत्साह रहता था कुछ नया करें, कुछ नया करें, और प्लानिंग भी करते थे और सभी भाई बहनों को साथ रखते हुए प्रैक्टिकल करते थे। साथ ही साथ जो भी भाई बहनें ब्राह्मण परिवार के, उनको बहुत अच्छी रीति से सुविधा और स्वागत का संस्कार रोजी बहन में था। वीना बहन रोजी बहन के साथ बहुत छोटेपन से रही। जैसे कहते हैं ना, छोटे बच्चों के अंदर में अनुकरण की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, हर जिस चीज़ को देखते हैं उसको ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे इन्होंने भी जो कुछ रोजी बहन लक्ष्मी बहन में देखा उसको पूरा पूरा आज फॉलो कर रहे हैं। किसी को भी किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो, बड़े अच्छे ढंग से स्वागत करना, टीम को तैयार करना, इसलिए मैं सबसे पहले बाप दादा जिसने हमें यहाँ भेजा, हमारी श्रद्धे मोहिनी दीदी, उन सब की श्रेष्ठ स्मृतियों के साथ कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग की तरफ से बीना बहन का खूब 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 हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करूंगी। मैं चाहूंगी कि मिनी बहन भी मंच पर आए, जो लगातार फ़ोन से हर चीज़ के कांटेक्ट में है, हम लोगों से भी कांटेक्ट करना, बीना बहन से कांटेक्ट करना, वो मंच पर आए। मैं कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग की तरफ से मिनी बहन का खूब 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 हार्दिक स्वागत। साथ ही साथ मंच पर हमारे आज की इस मीटिंग के उद्घाटक माननीय मीना साहब, जब आप बोल रहे थे तो मुझे मीना साहब कहने की इच्छा नहीं हो रही है। मैं समझती हूँ आप हमारे भाई हैं और आईएएस ऑफिसर की भी महसूसता नहीं आ रही थी। अपने परिवार में, अपने परिवार के सदस्यों के बीच आप बोल रहे हैं,
ऐसे आपसे महसूस हो रहा था। तो आप और ख़ास माउंट आबू से पधारे हुए ग्राम विकास प्रभाग के उपाध्यक्ष राजयोगी ब्रह्मा कुमार राजू भाई, हमारे केरल और तमिलनाडु क्षेत्र के सभी भाई बहनें जो इतना दिल से इस सेवा में कार्यरत हैं, साथ ही साथ भारत के विभिन्न प्रांतों से पधारे हुए सभी टीचर्स बहनें और सेवाधारी भाई जो मीटिंग के लिए यहाँ पहुँचे हैं, जिसका शुभारंभ इतना अच्छा हुआ तो उसकी मीटिंग कितनी अच्छी होगी। मुझे याद है कि जैसे जैसे सेवाएं आगे बढ़ रही हैं, हर एक भाई बहन के अंदर से उसका उमंग और उत्साह बढ़ता जा रहा है, और जो भी हम प्लानिंग करते हैं सब बहुत रुचि से और दिल से प्लानिंग करते हैं। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि प्लानिंग बड़ी अच्छी अच्छी होती हैं, बहुत बड़ी होती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल कम हो पाता है। परंतु कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग, जिसकी सेवाएं दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही हैं, भाई बहनों का उमंग उत्साह भी इतना अच्छा बढ़ रहा है, तो मैं चाहूँगी जब इस पवित्र धरती पर हम सब पहुँचे हैं तो इस वर्ष के लिए कुछ ऐसी नवीनता और उस आत्मा के क्षेत्र में पहुँचे हैं जिसके अंदर क्रिएटिविटी और कुछ ना कुछ नया करने का उमंग और उत्साह रहता था, तो ऐसे नए नए सेवा योजनाओं को बना करके और सारे वर्ष हम उसको प्रैक्टिकल करेंगे। 2016 में जिस समय दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में किसान सशक्तिकरण का शुभारंभ हुआ, वो इतना सुंदर दृश्य था, और आज दिन तक किसान सशक्तिकरण अभियान भारत के विभिन्न प्रांतों में चल रहा है, जिसमें हमारे माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह जी ने, जैसे आज मीना भाई बहुत दिल से बता रहे थे कि अभी इस जैविक खेती की दुनिया को, समाज को आवश्यकता है, इसी प्रकार से हमारे राधा मोहन सिंह जी ने भी इस चीज़ को महसूस किया है, और उनके अंदर ये एक दृढ़ संकल्प है कि जैविक खेती को आप सब कृषि प्रभाग के भाई बहनें मिलकर के सारे भारतवर्ष के किसानों को प्रोत्साहित करें। जैसा कि अभी आपने भी कहा कि मैं समझता हूँ ये परंपरागत खेती है, वास्तव में शाश्वत योगिक खेती ये कोई नई कृषि पद्धति नहीं है, लेकिन जो हमारी प्राचीन कृषि पद्धति थी जिसके अंदर किसान को धरती के प्रति मातृत्व प्रेम था, वो धरती माता कहता था, और उसी भावनाओं से हल चला करके उसमें बीज बोया जाता था, और धरती माता भी अपने धरती पुत्रों को भरपूर मात्रा में पौष्टिक स्वादिष्ट अन्न देती थी। परंतु धीरे धीरे जैसे भावनाओं में परिवर्तन आया, स्वार्थ भावना आई, हीनता की भावना आई और शोषण की वृत्ति हुई, जिन सब का परिणाम माँ धरती आज बंजर हो गई है। पुनः सर्वशक्तिवान परमात्मा पिता, जो सर्व आत्माओं के पिता हैं, उन पिता परमात्मा की प्रेरणा से कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के सभी सदस्य इस भारत भूमि को पुनः स्वर्णिम बनाने के कार्य में सेवारत हैं। क्योंकि व्यक्ति के जीवन की प्रथम आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान है, उसमें भी रोटी है। और भाई जी ने भी बहुत सुंदर एक बात कही कि जैसा अन्न वैसा मन,
आज जो हम जहरीला अन्न खा रहे हैं, हिंसक वृत्ति का अन्न खा रहे हैं, जिसका प्रभाव समग्र समाज पर दिखाई दे रहा है, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे हिंसक वृत्ति, 7 वर्ष की बच्ची, मैं थोड़ा दिन पहले न्यूज़ में सुना, किसी बच्चे के साथ में, 3 वर्ष का स्कूल का बच्चा था, उसके साथ उसका झगड़ा हुआ, घर से सब्जी काटने वाला चक्कू लेकर के आई, बच्चे के मुंह में कपड़ा डाल करके और बाथरूम में ले जा करके उसको मारा, 7 वर्ष की बच्ची ने। एक 7 वर्ष की बच्ची ने अपनी माँ को मारा, उसका मर्डर किया। विचार तो करिए कहाँ तक ये हिंसात्मक वृत्ति पहुँच गई है। एक तरफ हम विकास की बातें कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारी जो भी आध्यात्मिक संस्कृति थी, नैतिक आध्यात्मिक मूल्य थे, उन सब का ह्रास हो चुका है। ऐसे समय पर आवश्यकता है हम पुनः व्यक्ति की वृत्तियों को परिवर्तन करें। वो वाणी से नहीं होगी, उसके लिए चाहिए हमारे संकल्पों का प्रभाव और हमारे शुद्ध अन्न, सात्विक और पौष्टिक अन्न। इस दिशा में कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग बहुत सुंदर सेवाएं दे रहा है और आज हमारी सरकार भी इस चीज़ को महसूस कर रही है कि आप और हम सब मिलकर के इस सेवा को आगे बढ़ाएं। दिसंबर मास में हमारे शांतिवन आबू रोड में एक बहुत बड़ा महासम्मेलन का आयोजन प्रभाग की ओर से किया गया, जिसमें पुनः केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह जी पधारे थे और इतनी विशाल संख्या में उन्होंने देखा और वहाँ का जो हमारा तपोवन, जहाँ पर ये शाश्वत योगी खेती चल रही है, आप प्रैक्टिकल में उस जमीन पर गए, वहाँ का खेती का आपने अवलोकन किया, उस खेती से निकली हुई चीज़ें उनको आपने खाया और महसूस किया कि आज जो हम अनाज और फल खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, उसमें और इसमें कितना अंतर है। तब उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल को चंपारण के अंदर सरकार की तरफ से एक बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है, क्योंकि हम सबको मालूम है बापू गांधी ने जब इस देश का भ्रमण शुरू किया तो चंपारण से उनको ये प्रेरणा आई कि मुझे अपने भारत देश को इन अंग्रेज़ों की गुलामियों से मुक्त करना है। किसानों की उस शोषित दशा को देख करके, उसको 100 वर्ष पूरा होने वाला है, उस पर उन्होंने बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया और ख़ास चलते चलते भी 2-3 बारी उन्होंने कहा, मेरा आपसे ये एक अनुरोध है कि उस जगह पर जहाँ बहुत सारे सरकारी अधिकारी और हमारे ये लोग मंत्री भी वहाँ पहुँचने वाले हैं, तो आप बहुत अच्छे ढंग से अब इसने शाश्वत योगी खेती के पंडाल को लगाएंगे और लोगों को प्रेरित करेंगे कि वास्तव में अब किस खेती की आवश्यकता है। कहने का तात्पर्य है कि सब इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि अभी व्यक्ति को सात्विक और पौष्टिक अन्न चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय केवल राज्यों का अभ्यास नहीं कराता है, उसका लक्ष्य है कि राज्यों के माध्यम से समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों की आध्यात्मिक सेवा कर उनके चरित्र को ऊंच बनाना। कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग का भी वही लक्ष्य है कि जब इस देश का किसान चरित्रवान बनेगा तब इस देश की धरती बलवान बनेगी और वही किसान धनवान बनेगा, जिसको भ्राता जी ने अपने शब्दों में कहा कि जब तक हम सेल्फ में, खुद में परिवर्तन नहीं लाएंगे, तब तक हम दूसरों को नहीं सिखा सकते हैं। तो प्रभाग ने ये एक बीड़ा उठाया है, गांव-गांव में जाकर के, दूर दराज ये हमारी भाई बहनें जाकर के उन किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं जैविक और यौगिक खेती के लिए। मैं चाहूँगी आज की इस सभा में जब आप हमारे बीच उपस्थित हैं, तो इस केरला की भूमि पर भी जैविक
और योगिक खेती के प्रयोग जो भाई बहने कर रहे हैं उसमें आप हमें संपूर्ण सहयोग देंगे, क्योंकि सिर्फ अंतर इतना है जैविक तो हम करते ही हैं, योगिक शब्द जो उसमें ऐड किया गया है तो हमारे जो सकारात्मक प्रकंपन है जिससे धरती की ऊर्जा में परिवर्तन आ रहा है, आज प्रभाग ने कई प्रयोग करने के बाद साइंटिफिकली जब उसको टेस्ट किया गया उसके बहुत सुंदर चाहे सीड पर, चाहे सॉयल पर, चाहे उगे हुए अनाज और सब्जियों पर बहुत सुंदर परिणाम हमें प्राप्त हुए हैं। तो जब सारे भारत देश के भाई बहने यहाँ उपस्थित हुए हैं तो हम वर्ष की मीटिंग तो करेंगे ही, लेकिन हमारी एक शुभ कामना और मंगल कामना रहेगी कि जिस स्थान पर हम मीटिंग कर रहे हैं उस स्टेट के अंदर भी ये योगिक खेती के प्रयोग हों और अनेकों को प्रेरणा देने के लिए ये केरला क्षेत्र हमारा निमित्त बने, ऐसी आज के इस शुभ अवसर पर मेरी दिल की शुभ भावना और मंगल कामना है और दृढ़ विश्वास है कि ज़रूर हम कुछ नवीनता के साथ अपनी मीटिंग को पूर्ण करेंगे। ओम शांति।